नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी है मलाई कोफ्ता। मलाई कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम मैश किया हुआ पनीर, 3 मीडियम साइज के बॉयल्ड आलू, 2 मीडियम साइज के टमाटर, इनको काट लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियां, 8 से 10 काजू, 1 इंच टुकड़ा अदरक का, 1 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के प्याज को काट लिया है, 2 बड़े चम्मच बटर, 8 से 10 काजू और बादाम बारीक कटे हुए स्टफिंग के लिए, 1 बड़ी इलायची, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/3 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, 1 चम्मच बारीक कटी हरी धनिया की पत्ती, 2 चम्मच ताजी दूध की मलाई, आप चाहिए तो क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। करी बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच वेजिटेबल ऑयल, कसूरी मेथी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, कॉर्नफ्लोर 4 बड़े चम्मच। सबसे पहले हम गैस पर पैन को गर्म होने के लिए रख देंगे, उसमें बटर डाल देंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। बटर मेल्ट हो गया, इसमें हम डालते हैं बड़ी इलायची, इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया है। लहसुन डाल देंगे, अदरक, हरी मिर्च। कुछ सेकंड के लिए लहसुन अदरक मिर्च को हम फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज, प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं, इसमें हम डाल देंगे काजू। लहसुन प्याज को अगर पीसने से पहले थोड़ा फ्राई कर लें तो मसाला जल्दी पकता है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। प्याज लाइट ब्राउन हो गए, इसमें हम टमाटर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे और टमाटर को गलने तक हम फ्राई कर लेंगे। हमने सभी चीज़ों को मीडियम से हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। प्याज भी लाइट ब्राउन कलर के हो गए हैं और टमाटर भी गल गए हैं। अब हम गैस ऑफ करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लेंगे। जब तक फ्राइड टमाटर और प्याज ठंडे हो रहे हैं तब तक हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस करेंगे। आलू हमने कद्दूकस कर लिया है, अब इसमें हम पनीर मिला देंगे। पनीर को मैंने मैश कर लिया था और इसमें हम पहले 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी इसमें बारीक हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और थोड़ी सी धनिया पत्ती। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया था, हमारा 3 चम्मच में ही अच्छे से पेस्ट बन गया है, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। अब हम इसमें कोफ्ते बनाएंगे। थोड़ा हाथों से दबाते हुए इस तरह से कटोरी की शेप देते हुए इसमें हम ड्राई फ्रूट डाल देंगे और ऊपर से इसको इस तरह से बंद कर देंगे।
और एक बॉल की तरह बना लेंगे। इसी तरह करके हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। इसमें भी इसी तरह भर देंगे और चारों तरफ से इसका मुंह बंद कर देके एक बॉल की तरह बना लेंगे। इसी तरह करते हुए हम सारे बॉल तैयार कर लेंगे। हमने एक तरफ कढ़ाई में ऑयल रखा है, इसको हम मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। हमने कोफ्ते बना के तैयार कर लिए, इनको हम फ्राई करेंगे। ऑयल भी गरम हो गया है, उसमें हम कोफ्ते को डालते हैं। इन्हें भी हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम ही रखा है। हम इसको चम्मच से इस तरह से पलटते जाएंगे। कोफ्ते लाइट ब्राउन होने शुरू हो गए हैं, थोड़ा और फ्राई कर लेते हैं। कोफ्ते गोल्डन ब्राउन हो गए, अब इनको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह करके हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। फ्राई किए हुए टमाटर प्याज ठंडे हो गए, अब इनको हम पीस लेंगे। आइए अब करी बनाने की तैयारी करते हैं। हमने गैस पैन को गर्म होने पर रखा है। पैन गरम हो गया है, इसमें हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देते हैं। हल्दी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने लो कर दिया है। जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। कुछ सेकंड के लिए मसालों को भून लेंगे। अब हम डालते हैं इसमें मसालों का पेस्ट। प्याज लहसुन सबका पेस्ट डाल देते हैं इसमें। अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए, क्योंकि कोफ्ते में भी नमक मैंने डाल रखा है। अब थोड़ा इसमें हम ढक देते हैं और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम ही रखा है। हम मसालों को बीच बीच में चलाते रहेंगे। जब ऑयल छूटने लगेगा मसालों से, तब हम इसमें मलाई मिलाएंगे। मसालों को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब हमने एक तरफ गर्म पानी किया हुआ है। गर्म पानी से ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है और टेस्टी होती है। हम पहले इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। थोड़ा पानी और डालते हैं क्योंकि मसाला भी ठीक है। बस अब हम कढ़ी को खोलने देंगे। करी खोल रही है। अब हम इसमें कसूरी मेथी को हथेली पे इस तरह क्रश करके डाल देंगे इसमें। और इसमें हम मलाई मिला देंगे। मलाई से करी का कलर कितना बढ़िया आ गया है। अब इसमें हम गरम मसाला ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जब ग्रेवी ठंडी हो जाएगी, तब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्तों को डालेंगे, क्योंकि गरम करी में गरम कोफ्ते डाल देंगे तो कोफ्ते टूट जाएंगे। हमने एक प्लेट में कोफ्ते निकाल लिए हैं और इसमें हम गरम गरम
ग्रेवी के ऊपर से डाल देंगे। अब मलाई कोफ्ते पे क्रीम से गार्निशिंग करेंगे। और थोड़ा सा धनिया पत्ती बीच में रख देंगे। मलाई कोफ्ता बनके तैयार है। इसे आप किसी भी ओकेजन में बनाइए और एंजॉय करिए। अगर आपको होममेड क्रीम बनानी हो तो आप हमारे चैनल पर उसका वीडियो देख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ।